श्यामा प्रसाद ग्लोबल मिशन के तहत रानी पोखरी ग्रांट में उत्तरा स्टेट एम्पोरियम का लोकार्पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अब उत्तराखंड के सभी उत्पाद एक ही जगह पर मिल सकेंगे। ऐसे में उत्तराखंड की याद किसी को अपने साथ रखनी है तो वो हमारे स्टोर पर आए। आजीविका संवर्धन की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जौली ग्रांट के निकट रानी पोखरी ग्रांट में उत्तरा स्टेट एम्पोरियम का निर्माण किया गया है। इसका लोकार्पण करते हुए बुधवार को मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां हर्षल से लेकर मुनस्यारी तक के उत्पाद मिल सकेंगे। हर छोटी जगह से कई प्रकार के उत्पादों को यहाँ एक बाजार मिल सकेगा। श्याम भारत सरकार की योजना श्यामा प्रसाद रूबन मिशन के अंतर्गत जो यहाँ पर आज ग्रोथ सेंटर का और इसका जो उद्घाटन हुआ है, इससे निश्चित रूप से पूरे उत्तराखंड के सारे उत्पाद एक ही स्थान पर मिलेंगे। और उत्तराखंड की याद किसी को अपने साथ रखनी हो तो वो हमारे इस खुले हुए स्टोर पर आएँ और यहाँ से उनको हर प्रकार के सामान मिलेंगे। और अच्छी बात यह है कि पूरे चाहे हर्षिल का हो, चाहे हमारे मुंशहरी का हो, हर जगह का जो उत्पाद है, चाहे राजमा के रूप में, गहत के रूप में, अन्य रूपों में जो भी होता है, वो सब हमारे स्थान पर मिलेगा। इन उत्पादों को भी एक बड़ा बाज़ार यहाँ से मिलेगा। इस क्षेत्र में हम और भी काम करेंगे कि जैसे जिससे कि इन लोगों को अच्छा बाज़ार मिले, जो उत्पाद बनाने वाले लोग हैं उनको भी जो है निश्चित रूप से देश भर के लोग, क्योंकि बगल में हमारा यहाँ पर धार्मिक नगरी ऋषिकेश भी है, यहाँ पर हमारा एयरपोर्ट भी है और देहरादून हरिद्वार का ये हाईवे भी बगल में है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये और ज़्यादा जो है लोगों के ध्यान में आ गई।